तीसरे वनडे के लिए घोषित हुई टीम इंडिया की प्लेइंग 11 अक्षर सूर्य हुए बाहर। तो दोस्तों क्या है तीसरे वनडे के लिए घोषित हुई भारत की प्लेइंग 11, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में पूरी डिटेल में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम वेस्ट इंडीज से तीसरा वनडे मुकाबला भी जीते तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज खेली जा रही है जिसमें टीम इंडिया 2-0 से अजय बढ़त हासिल कर चुकी है। टीम इंडिया की निगाहें अब आखिरी वनडे मैच जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आखिरी वनडे मैच के तहत भारत का कैसा प्लेइंग 11 होगा। आपको बता दें कि आखिरी वनडे में भी शिखर धवन के साथ शुभमन गिल का बतौर ओपनर उतरना तय है। वहीं शिखर धवन ने पहले वनडे मैच में 97 रन और शुभमन गिल ने 64 रन की पारी खेली थी। दोनों ही खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 119 रन की साझेदारी की। तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर और चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पांचवें नंबर के लिए ईशान किशन को संजू सैमसन की जगह मौका मिल सकता है। ईशान किशन की विकेट कीपिंग स्किल भी बहुत ही शानदार है। दीपक हुड्डा को एक बार फिर नंबर 6 के लिए मौका मिल सकता है। आवेश खान दूसरे वनडे में अपना डेब्यू करते हुए फ्लॉप रहे थे, ऐसे में उनकी जगह अर्शदीप सिंह को मौका दिया जा सकता है। मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। वहीं युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल को मौका मिलना तय है। बता दें कि एक दमदार प्लेइंग 11 ही आखिरी वनडे मैच के तहत मैदान पर उतरने वाली है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच रोमांचक भिड़ंत ही देखने को मिल सकती है। हालांकि आखिरी वनडे मैच में वेस्ट इंडीज वापसी करते हुए भारत को चुनौती दे सकती है। ऐसे में दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम तीसरा वनडे मैच जीतकर सीरीज क्लीन स्वीप कर पाती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके बताएं कि इस सीरीज को तीसरा वनडे मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर वेस्ट इंडीज। दोस्तों इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।